हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकार एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, मैं जी पी जे स्टाफ नर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट पूछा है, हार्मोन ग्लूकेगॉन किसके द्वारा स्रवित किया जाता है। फ्रेंड्स, से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है कि द हार्मोन ग्लूकेगॉन इज सीक्रेटेड बाई। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। सेकंड पॉइंट दिया है, इन ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होती है। ए है नेक, बी है ब्रेन, सी है किडनी एंड डी है एब्डोमेन। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है ब्रेन। थर्ड पॉइंट दिया है, वह ग्रंथि जिसे एक अंतःस्रवी तथा बाह्यस्रवी ग्रंथि दोनों के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसे पूछा है कि आ ग्लैंड विच कैन बी क्लासिफाइड एज एन इंडोक्राइन एंड एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इज। ए है थाइमस, बी है थायराइड, सी है पेनक्रियास एंड डी है पिट्यूटरी। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है पेनक्रियास। फोर्थ पॉइंट दिया है, आफ्टर मेनोपॉज इन वुमेन द चेंज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस डेवलपमेंट इंक्रीज बिकॉज ऑफ। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया कि आफ्टर मेनोपॉज इन वुमेन द चेंज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस डेवलपमेंट इंक्रीज बिकॉज ऑफ। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है डिक्रीज इन ऑस्ट्रोजन लेवल। फिफ्थ पॉइंट है, हाउ मैनी डज द प्लेसेंटा वेट एट द मेच्योरिटी पीरियड। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसे दिया कि हाउ मैनी डज द प्लेसेंटा वेट एट द मेच्योरिटी पीरियड। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 500 ग्राम। सिक्स पॉइंट है, प्रसव के दौरान बच्चे के निकलने वाले हिस्से के सामने आंतरिक ओएस के ऊपर स्थित भ्रूण की रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द फीटल ब्लड वेसल्स लोकेटेड ओवर द इंटरनल ओस इन फ्रंट ऑफ द प्रोडिंग पार्ट ऑफ द बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी। प्रसव के दौरान बच्चे के निकलने वाले हिस्से के सामने आंतरिक ओएस के ऊपर स्थित भ्रूण की रक्त वाहिका को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है वसा प्रीविया। सेवन्थ पॉइंट है, द एक्टोपैरासाइटिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसमें दिया है कि द एक्टोपैरासाइटिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। एट्थ पॉइंट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू एग्जामिन द रेक्टम। रेक्टम को एग्जामिनेशन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है प्रोक्टोस्कोप। नाइन्थ पॉइंट है, रेक्टल मेडिकेशन आर टाइपली सब द फ्रॉम ऑफ।
फ्रंट से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि रेक्टल मेडिकेशन आर टाइपली सब इन द फ्रॉम ऑफ। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। टेंथ पॉइंट दिया है, एक गैर पशु आबादी में एक बीमारी का प्रकोप के रूप में जाना जाता है। एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन एन एनिमल पॉपुलेशन इज नोन एज। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया कि एक गैर पशु आबादी में एक बीमारी का प्रकोप के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। इलेवेंथ पॉइंट है, व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 12 पॉइंट दिया फ्रेंड, मामले वाले व्यक्तियों को लाइव टीके नहीं लगाना चाहिए। लिव वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर टू पर्सन विद द इशू ऑफ। फ्रंट से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। ए है डायरिया, बी है वॉमिटिंग, सी है ल्यूकेमिया एंड डी है फीवर। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, ल्यूकेमिया। 13 पॉइंट है, PEM किस में पाया जाता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज फन एमंग। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसमें दिया है कि PEM किस में पाया जाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, प्री स्कूल चिल्ड्रन। 14 पॉइंट है फ्रेंड, अल्फा किनेज प्रोटीन दैट इज फाउंड इन। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, स्किन। 15 पॉइंट है फ्रेंड, स्पेसिफिक साइन ऑफ कॉर्सियोकर इज। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि स्पेसिफिक साइन ऑफ कॉर्सियोकर इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 16 पॉइंट दिया है, विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ मारास्मस फ्रॉम द फॉलोइंग। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसमें दिया है कि विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ मारास्मस फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, सीवियर वॉमिटिंग। 17 पॉइंट दिया है फ्रेंड, फॉर इमरजेंसी केयर ऑफ स्टिक चिल्ड्रन एट PSC द स्ट्रेटजी टू बी फॉलोड एज। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 18 पॉइंट दिया है फ्रेंड, द गोल ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया इज बाय। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है कि द गोल ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया इज बाय। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 19 पॉइंट दिया है, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च्ड ऑफिशियली इन द ईयर। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च्ड ऑफिशियली इन द ईयर। ए है 1951, बी है 1952,
सी है 1956 एंड डी है 2008। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 1952। 20 पॉइंट दिया है, द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज इंक्लूड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ए है विटामिन बी, बी है विटामिन ए एंड सी है विटामिन डी एंड डी है नन। द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज इंक्लूड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है विटामिन ए। 21 पॉइंट है, द बर्थ ऑफ अ डेड बेबी आफ्टर अ वीक प्रेगनेंसी इज कॉल्ड अ डेड बेबी बर्थ। ए है 20 वीक, बी है 36 वीक, सी है 30 वीक्स एंड डी है 28 वीक। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि द बर्थ ऑफ अ डेड बेबी आफ्टर अ वीक प्रेगनेंसी इज कॉल्ड अ डेड बेबी बर्थ। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है 28 वीक। 22 पॉइंट है, सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की थी। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं कि सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 23 पॉइंट है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ ओपीवी। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, सॉरी इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, अल्बर्ट साबिन। 24 पॉइंट दिया है, क्लोजमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉमनली फन ऑन। ए है ब्रेस्ट, बी है चेस्ट एंड सी है एब्डोमिन एंड डी है चीक। क्लोजमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉमनली फाउंड ऑन। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा कि क्लोजमा कहाँ पे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 25 पॉइंट है, हु इज द डिस्कवर फॉर्म ऑफ पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोजकर्ता कौन है, हु इज द डिस्कवर्ड फॉर पेंसिलिन। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। फ्रेंड्स ये 1 से 25 तक एमसीक्यू दिए थे एसपीजीएस रिलेटेड। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड।